गिरामी अल्लाह के बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे जिनकी किताबें हमारे से इस्लामिया में पढ़ाई जाती है, तामीर अदा आपके घरों पर भी शायद वो किताबों की उर्दू सीखने के लिए। ये किताब बहुत मुस्तरद है, बहुत प्यारी किताब है, बहुत आसान तरीके से उर्दू सीखना आपके वालिद गिरामी ने आसान, पूरे हिंदुस्तान में उर्दू जुबान सीखने के लिए आपके वालिद साहब की किताबें पढ़ी जाती हैं। मैं भी पढ़ाऊँ, मैं भी वही किताब पढ़ के उर्दू सीखाऊँ, मुझे भी उर्दू नहीं आती थी, मैंने भी उर्दू सीखाऊँ आपके वालिद साहब की किताबें पढ़ी। वही नहीं, ऐसे हज़ारों अलम आपको मिलेंगे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो है उर्दू जुबान जो सीखते हैं उसके अंदर तामीर अंदर का बहुत बड़ा कारनामा है। उतने बड़े अल्लाह के वली के बेटे हैं आप, है ना। दूसरों को जो कितना नवाजे हिंदुस्तान में, तो बेटे को कितना नवाजे होंगे। यही वजह कि आपकी जुबान में बेटा ने वही तासीर रखी है, जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि खुद बदरे मिलत फरमा रहे हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाएं, अल्लाह ताला हजरत को तंदुरुस्ती अता फरमाएं, तमाम तकलीफों से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएं, तमाम बीमारियों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएं, आपका सारे रहमत हम तमाम पर अल्लाह ताला दराज फरमाएं। इसी तरह हजरत हमारे दरमियान आते रहें, हजरत का फैज़ हम ढूंढते रहें, अल्लाह ताला हजरत के दरगाह में खूब बुलंदी अता करें और खूब खूब अल्लाह ताला आपसे मसले के रहें। और हम बड़ी तकलीफ़ के साथ हजरत को नावाजते हैं, हजरत को बहुत तकलीफ में पहुँचा दें, जैसा इंतज़ाम करना चाहिए वैसे नहीं कर पाए, इसके लिए हम सब मैं खुद जो है हजरत से माफ़ी का तलबगार हूँ। ना हजरत की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत हम तमाम को माफ़ फरमा दें और हम सब के लिए दुआ फरमाएँ। आइए बिना किसी को ताखीर एक वली के शहजादे का इस्तकबाल जैसा करना चाहिए वैसे करें, है ना। शहजादे हुज़ूर बदरे मिल्लत खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हैं, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हैं, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती जमालुद्दीन मुफ्ती साहब मिला। हज़रत की बारगाह में गुजारिश है कि हज़रत अपने किताब नायाब से हम सामने के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। हज़रत के आने से मैं उसे इतना कहूँगा, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धुन बजाने वाले। आइए हम इस्तेकबाल कर लें, नारे तकबीर। हिंदुस्तान कितने अजीम कवि को सुने जाते, तारीफ लेने के लिए कई वक्त लग जाता है, लोग तड़पते हैं। अभी भी बहादुरपुरा वाले बोल रहे थे कि हमारे पास पहले तकरीर हो जाए, कई लोग तड़पते हैं कि हमारे पास आ जाए, मगर इतनी आसानी से यहाँ हजरत तशरीफ लाए हैं। बाबा से उधर नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। Thank you.
नारे तकबीर इनमें से एक चाबी
इस हजारे के ताले को खोलने के लिए है, मार्ग में से एक ही चाबी इस्तेमाल करोगे। अगर एक से नहीं खुला तो चलने दे बोलो, और दूसरी से भी नहीं खुला धीरे धीरे, और तीसरी से नहीं खुला चौथी से नहीं खुला, तो पांच में से एक चाबी तो लगना ही लगना है। और जिसने पांचों चाबी इस्तेमाल कर लिया तो उस खजाने को जरूर खोलेगा और खजाना जरूर पाएगा। तो शबे कद्र की चाबी पांच है, इक्कीसवीं शब, तेईसवीं शब, पच्चीसवीं शब, सत्ताईसवीं शब, उन्तीसवीं शब। अगर ये पांच शब आप जाते हैं तो यकीनन शबे कद्र के पूरे सवाब के हकदार आप हैं। शबे कद्र क्या है? सबसे पहले और कुराने ने इशारा फरमाया शहर और रमजान नजी उनजिला फीहिल कुरान। ये रमजान शिका खैरों वाला महीना वो महीना है, असर वाला महीना है, फजीलत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, नेकियों वाला महीना है, जिसमें अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ। अब ये बात कन्फर्म हो गई कि कुरान का नुज़ूल रमजान शरीफ ही में हुआ। अब कुरान रमजान शरीफ के महीने में कब नाज़िल हुआ? ये सूरह कद्र की पहली आयत करीमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने कुरान को कद्र वाली रात में नाज़िल किया। तमाम रात एक ऐसी नजर आती है, पापा दिखा दिया अगर शाम और आता है बना अल्लाह का मारे रेतुल कद्र, तुम लोगों ने क्या जाना कि कद्र वाली रात है क्या? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये कद्र वाली रात एक हजार महीनों से अफजल है। कितने दिन से? एक हजार महीनों का होता है तिरासी साल चार महीना, यानी एक शबर आप पा गए तो एक हजार महीनों की इबादत पर आपके द्वारा खाली हो जाएगा। ये कौन पाएगा? बोलो, जो पांचों शब शबेदारी करे। और शबेदारी के लिए आसान तरीका बता दूं, ईशा की नमाज इमाम साहब के साथ पढ़िए आधी रात जागने का सवाल, और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़िए आधी रात जागने का सवाल, और दोनों जमात से नमाज आपने पढ़ भी आपको पूरी रात जागने का सवाब हासिल है। असी धर्म इस्लामिया ये माह मुबारक जिसका एक दिन लम्हा इबादत भी शुमार होता है, अगर कहीं पहले जैसा हो सके आपको रखना होता तब आप क्या करते? अब आप कहेंगे पहले जैसा होता क्या हुआ? ईशा का टाइम हो गया, सानी का टाइम खत्म, रात भर दिन भर गुजारने के बाद जब दिन डूबता तब आप इफ्तारी करते, ये रहा रोजा। इस रोजे से लंबा रोजा है वो भी छोटा? बोलो, छोटा है ना? कब से कब तक है वो? ईशा के टाइम से मगरिब तक वो छोटा है? आज वाला रोजा छोटा है? एक साहिब रसूल हजरत सिरमान रजी अल्लाह तआला अन्हु रोजे की हालत में दिन भर बुजुर्गों के बाबा के काम करते रहे, शाम को घर वापस आए, बीवी से कहा कुछ पकाई हो, तब सच रुक जाएंगे, थके माले तो थे बिस्तर पर गिरे सो गए। बीवी ने जगाया तो कहा अरे तो सहरी का टाइम खत्म, फिर उसी हाल में रोजा रह गए और दो माह तक काम करते करते बेहोश हो गए। फजूल
स्कूल के दरवाजे से आयत काम लेकर आए या रसूलुल्लाह सही का कायम को कैसा था मौका ना मिला और फिर रोजे जो रोजा रह गए बेहोश हो गए तो हमारे तुम्हारे मेहरबान रसूल ने चाहा कि मेरे उम्मतियों को सही का कायम एक देर घंटा नहीं पूरी रात मिल जाए तो परवरदिगार आलम ने नबी ये कोने के सबसे दूरे में पूरी रात सुबह सादिक तक अल्लाह का फरमान खाओ पियो सहरी का टाइम सुबह सादिक तक है जो टाइम आ गया उसके बाद उस रोजे में बीवी से हम बिस्मी करना रमजान के महीने की रात में हराम था जैसे आज रोजे के हालत में दिन को नहीं कुर्बान कर सकते ऐसे ही कल रात में भी यूनिक से नहीं मिल सकते एक साहबी रसूल आए अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं अपनी बीवी से जमा कर बैठा अपनी बीवी से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं था कि रमजान के रात में अपनी बीवी से जमा करना हराम 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 एक और साहबी खड़े हुए अर्ज किया या रसूल अल्लाह बर्दाश्त नहीं हुआ और ये गलती मुझसे भी हो गई अभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुछ बोलने ही वाले थे कि खलीफे दो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये गलती मुझसे भी हो गई हमारे तुम्हारे नबी ने चाहा कि हमारे उम्मती बीवी करीब रहने के बाद भी नफ्स पर कंट्रोल करते हैं और कभी कंट्रोल से अनकंट्रोल हो जाता है तो बीवी से मिलने में मजबूर हो जाते हैं अल्लाह तआला रात को बीवियों से मिलना हलाल कर देता तो बड़ी अच्छी बात थी समझ रहे हो बस मेरे मुसलमान ने चाहा परवरदिगार आलम ने सिदरा के नबी जिब्रील अमीन को वही देकर महबूब के दरबार में भेजा और फिर मैं लखू रहेगा बस सियाद रफा सुलिया के सारी को घुटा ने रसूल लखू मातू ने रसूल लखू ए महबूब तुम्हारे सदके में तुम्हारे उम्मतियों को रमजान की रातों में अपनी बीवियों से मिलना हलाल कर दिया अब बीवियों से मिलने और उनसे जमा करने और कोई पाबंदी नहीं और मर्दों का लिबास मर्द औरत का लिबास अब ले देखे मुख्तसर रोजा ये रहा सुबह सादिक से लेके गुरुबे आफ्ताब तक खाने पीने बीवी से जमा से बात करने का नाम रोजा है ये आम लोगों का रोजा है खास लोगों का रोजा बताओ कहो हराम ये आम लोगों का रोजा है न खाएंगे न पिएंगे न बीवी से जमा करेंगे खास लोगों का रोजा ये है कि उनके आंख का भी रोजा हो उनके कान का भी रोजा हो उनके हाथ का भी रोजा हो उनके कदम का भी रोजा हो उनके दिलो दिमाग का भी रोजा हो सावन से रसूलुल्लाह खाने पीने बीवी से जमा से बात रखने का नाम रोजा है आंख का रोजा क्या है कान का रोजा क्या है जुबान का रोजा क्या है आंख का पैर का रोजा क्या है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजे की हालत में बंदे वो भी अपने आंख से गैर शरी चीज देखता नहीं ये आंख का रोजा है गैर शरी काम अपने हाथ से करता नहीं गैर शरी जगहों पर अपने कदम से जाता नहीं और गैर शरीक बात अपने कान से सुनता नहीं यह खास लोगों का रोजा जो जुबान पर भी पाबंदी लगाते हैं आंख पर भी पाबंदी होती है अब कहां है वो बच्चे जो रोजा रखकर टाइम पास करने के लिए गेम खेलते हैं कुछ यूट्यूब खेलते हैं कुछ बकवास करते हैं कुछ इधर की उधर त्रिवर चुनरी सुनते सुनाते यह खास लोगों का रोजा है खासों खास खासों में खास वो रोजा है कि अल्लाह के सिवा पूरी दुनिया से बेखबर हो जाए वो हमें हासिल नहीं वो अल्लाह के बंदों को हासिल असली जानवी लेते इस्लामिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रमजान का महीना नेकियों को काटने का है रजब का महीना खेती बोने का है शाबान का महीना खेती सींचने का है और रमजान का महीना खेती काटने का है बस नेकियां ही नेकियां
करते जाओ और अगर आप चाहते हैं कि पूरी जिंदगी के सिया कारनामे तुम्हारे खत्म कर दिए जाए, ये फजीलत वाला महीना पा करके आप पूरे गुनाहों से पाको साफ हो सकते हैं। ये ऐसी असर वाला महीना है कि रोजा रखकर अगर आपके मुंह से भूख की वजह से भू आती है तो अल्लाह ताला के नजदीक उसको अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। अल्लाह ताला अपने बंदे को देखता है शाकोलाता परिश्तो मेरी रजा के लिए खाने पीने से बाज रहा है, मैं इससे मकर कर। और सुनो, नमाज की इबादत, हज की इबादत, जकात की इबादत, सदका खैरात की इबादत, तिलावत कुरान की इबादत, गरीबों फकीरों की मदद करना भी इबादत और रोजा रखना भी इबादत। और इबादत का बदला जन्नत है और रोजे का बदला खालिकी जन्नत रब्बुल आलमीन है। नहीं समझ पाए, समझ रहे हो? नमाज का बदला जन्नत और रोजे का बदला खालिकी जन्नत अल्लाह का। अभी मुझे समझ रहा है, पूरी रात समझाओ अच्छे अमल का बदला जन्नत और रोजे का बदला खालिकी जन्नत, खालिकी जन्नत अल्लाह का। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है सोली बनाजी भी रोजा मेरे लिए इसकी जजा मैं खुद दूंगा। और दूसरे हदीस से कुर्सी का अल्फाज इस तरह है, सोली बनाजी भी रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद दूंगा। दूसरे आमाल आपके चले रहेंगे तुम्हारे ऊपर आवाजों के बुनियाद पर, लेकिन रोजा ऐसी इबादत है कि ये किसी के बदले में दिया नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी आपने 100 रुपया बेवाली करके खा लिया, कितना या 100 रुपया नमाज कितनी जाएगी? 23,33,300 वक्त की नमाज जाएगी। पूरी जिंदगी नहीं पढ़ सके हो। अगर इतनी नमाजें तुम्हारे पास नहीं है तो इतनी नमाजों का आजाद भुगतना पड़ेगा। इतने के लिए 100 रुपये, 1 रुपये के लिए 23,333 की नमाज जाएगी। करो बेईमानी, गसब करो लोगों का पार। 1 रुपया आपने खा लिया, 23,000 वक्त की नमाज चली गई। नमाजें नहीं है तो इतनी नमाजों का आजाद भुगतना पड़ेगा। कितने के लिए? और बेईमानी, जो हम 1 रुपया करेंगे तो मैं भी खाऊंगा, मेरी बीवी भी खाएगी, मेरी बेटी भी खाएगी, मेरा बेटा भी खाएगा, बोलो सब खाएंगे। बोलो और आसान कौन ढूंढेगा? कह दो हम कयामत के लिए एक देगी, न बीवी देगी, न बेटी देगी, न बेटा, न भाई, न बाप, न मां, कोई नहीं देगा। अकेले हमें अदा भुगतना है लाखों साल करोड़ों साल। अब जरा अंदाजा लगाइए हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? बीमारी करे हम और खाए उसको, बोलो सब फिर जवाब दो। हम बेईमानी करके अपने खा जाएंगे तो हम अकेले खाएंगे? नहीं, जल्दी बोल नहीं। बाबू तुम बोल दो, हमारे घर में जितने हैं सब खाएंगे नहीं खाएंगे? बेईमानी का यह हम और खाएं पूरे घर वाले और लाखों साल जहन्नम में जले हम। एक ने भी न बीवी देगी, न बेटा देगा, न बेटी, कोई नहीं देने वाला है। तो सबसे बड़ा बेवकूफ मैं जो किसी का हक लेकर के दुनिया से चला गया, और सबसे गरीब वो जो लोगों का हक अपने सर पे लादकर दुनिया से चला गया। जमीन एक बारिश, यहाँ क्या बोलते हैं बारिश को? एक बारिश, समझ गए? इतना अगर आपने कब्जा कर लिया चाहे दरवाजे को चाहे पेड़ तो सातों कवल जमीन तुम्हारे सर पर लादकर जंगल में फंसाए गए। मेरियों को खेत के बाजू में भेड़ होती है ना, क्या बोलते हैं यहाँ? बोलो मेर, समझ गए? इनकी खेती हमारी खेती बीच में मेर, कट्टा कट्टा, समझ गए?
फिर इनकी खेती एक कट्टा थी, इसके बाद इनकी खेती एक कट्टा थी, एक वाली जमीन अगर कब्जा कर लिया तो सात का वो जमीन तुम्हारे सब पंजाब का जंगल में धसाया जाएगा। अब सोचो जहां जहां मौका जिसको मिलता है कब्जा करता चला जाता है। यहां बताने का मकसद ये है, दो बातों का बताने का मकसद है, एक ये कि बेईमानी करना बंद करो, आधा किलो चावल है नमक डाल के बीवी से कह दो पकाओ अपने कायदे तुम भी खाओगी, इसलिए कि बेईमानी करूंगा मैं जहन्नम में जलूंगा मैं, तुम लोग फ्री हो जाओगे, समझ रहे हो। पकाना यहां दूसरा मकसद ये है कि बेईमानी करने पर नमाजे तो जाएंगी लेकिन रोजा नहीं जाएगा, और हर अमल में रियाकारी हो सकती है रोजा में नहीं, नमाज दिखावे की हो सकती है, हज दिखावे का हो सकता है, सकाफ दिखावे के लिए हो सकती है, रोजा नहीं। ये छोटा सा बच्चा इसे भी मालूम है, दोनों बच्चे रेडी रहो, इधर दे तुम भी रेडी रहो, ये बच्चा कोर्ट को भी हारा तैयार हो जवाब देने के लिए, अभी तो रोजा रखे नहीं होंगे, कभी रखे चुपके से अगर पानी पी लो बंद कमरे में रोजा रहेगा ना, जल्दी बोल, अरे चुपके से पी लो बंद कमरे में रोजा रहेगा ना, जोर से बोलो नहीं रहेगा, अरे चुपके से पीने में भी ये है रियाकारी से पाक वाला रोजा, सुभान अल्लाह, बच्चा भी याद आएगा एक कतरा पानी पियो और रोजा टूट जाएगा, इसीलिए ये खास अल्लाह की ऐसी इबादत है कि हर इबादत के बाद जन्नत है और रोजा की इबादत का बदला खुद खालिद जन्नत रब्बुल आलमीन है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा आका फरमाते हैं इसमें रियाकारी नहीं हो सके, एक रोजा बगैर उसने शरीर के आपने कजा कर दिया, और चाहो कि वो सवाब हमें मिल जाए पूरी जिंदगी रोजे पर रोजा रखो वो सवाब नहीं मिल पाए। दूसरी हदीस पाक में है कि जमाने भर का रोजा इसके सवाब की बराबरी नहीं कर सकता। अब अगर इतने असबब वाला रोजा कोई रखा, आपने फजूर से इफ्तारी करवा दिया, गरीब है नहीं है कुछ हुजूर से, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके पूरे रोजे का सवाब आपको अल्लाह देगा और रोजा रखने वाले के सवाब को कम नहीं होने देगा, उसे भी पूरा सवाब तुम्हें भी पूरा सवाब, सुभान अल्लाह। एक यहूदी ने अपने बेटे को रमजान के महीने में खाते हुए दिन को देखा, एक तमाचा खींच के मारा, बेटे ने पूछा रोते हुए अब्बा क्यों मारा, रमजान के महीने का एहतराम नहीं करता है? लोगों के सामने जिनको खा रहा है, कहा बा रमजान का महीना मोमिनों के लिए मुसलमानों के लिए, हम यहूदी आप यहूदी न रोजा आप रखते हो न मैं रखता हूँ, यहूदी बाप ने बेटे से कहा कि अगरचे हम रोजा नहीं रखते हैं लेकिन एहतराम रमजान के बुनियाद पर लोगों के सामने खाता पीता हुआ कभी तूने देखा, बेटे ने कहा नहीं, बस एक अमल ये था उसके बदले गवा दे का अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा कि जन्नत के बाहों में टहलेगा, अल्लाह वाले ने पूछा तू यहूदी और जन्नत, कहा बेटे को इस तरह के नुकसान की वो याद कर जो मैंने तमाचा मारा था, रब्बुल आलमीन को वो अल्लाह पसंद आई और उस रब्बुल आलमीन ने उसके बदले में मुझे ईमान भी दिया और जन्नत के बाहों को भी अदा कर दिया। अब सोचो कि बंदे मोमिन अगर इहतराम रमजान करे तो जन्नत का हक नहीं मिलेगा, यह रमजान का महीना जो आपसे तीन दिन बाद रुखसत होने वाला है देख लेना, 29 को चांद धूप के लोग निकालेंगे, और आजकल तो क्या है बादशाह तो चांद दिखता है, बादशाह की ईद होती है, बादशाह तो होता रहते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 29 को चांद नजर आए या शहादत मिले तो ईद करो, न देखा न शहादत मिली 30 पूरा करो, एकदम बिल्कुल आसान कोई टेंशन नहीं, 29 को चांद दिखा शहादत मिली तो ठीक है, नहीं शहादत मिली नहीं दिखा 30 रमजान पूरा कर लो फिर ईद ही
कितना है, लेकिन बादशाह को चाप घूमता है, दो तीन दिन बचा हुआ है। छब्बीस रोजा हो गया आज नहीं हुआ, 26 हो गया, 2-3 बचा हुआ। ये रमजान का महीना रब्बुल आलमीन के दरबार में जाएगा, ये महीना जिसमें आप रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला इरशाद करवाएगा, मस्जिद कुबा के मेरे बंदों ने तुम्हारा एहतराम किया, रोजा रखा, इबादत में मशगूल रहे। अगर रमजान के महीने में हमारी सिफा बच कर दिया, अगर किसी बदआमाली की दुनिया पर जन्नत के हकदार हो गए आप, तो ये रमजान का महीना ठाल बन जाएगा। परवरदिगार आलम, इस बंदे ने रोजा रखा है, रोजा रखने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, अल्लाह ताला उसकी शफा कबूल फरमाए। हर आवर का बदला जन्नत, अगर अच्छे दिन दिमाग से किया, रियाकारी ने रजाकारी से किया। और ये जो रोजे दावों को जन्नत मिलेगी, बाबो भैया रोजे का ही दरवाजा है, सिर्फ उस दरवाजे से वो जाएंगे जो रोजा रखने वाले लोग हैं। इसी महीने में अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है, मासिवा अल्लाह पूरी कायनात में सबसे अफजल है। और ये कुरान मखलूक नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला की सिफत उसका कलाम है। जब अल्लाह ताला के साथ करीब है, तो ये कलाम खुदाबंदी की कदीम है। इस कुरान पाक के बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दिलों के सब को छोड़ाने का बेहतरीन नुस्खा, कब्र में रोशनी का जरिया, मुलसरात में जाने का बेहतरीन नुस्खा, अल्लाह की मजबूत रस्सी है, कुरान नूर है, नूरे मुबीन है। और कुरान था कहां? लौहे महफूज पर। ये मत समझो कि कुरान रमजान में नाज़िल हुआ तो उसी वक्त कुरान आया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 30 सूरह बुरूज, पहले रुकू हुआ चाहने वाले हैं, हिदायत उन्हीं को मिलती है जिसके बारे में अलिफ लाम मीम के शुरू ही में है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। सुभान अल्लाह, अलिफ लाम मीम ये अल्लाह का मुकद्दस वो कुरान है जिसमें कोई शक नहीं, और ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। वहां हुदल लिन्नास इंसानों के लिए जो हिदायत चाहता है वो है मुत्तकी, हिदायत उन्हीं को मिलती है। और कुरान आया किसके साथ? तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया और एक रोशन किताब, अल्लाह से राह साथे मुस्तफा, और रोशन किताब से राह अल्लाह का मुकद्दस कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, गुनाह करते करते जब दिल सब आलूद हो जाता है, तो तिलावत कुरान और मौत की याद ये दिलों के सब को छोड़ा देते हैं। वो सब कैसे लगता है? एक गुनाह हमने किया तो दिल पर एक काला सा नुक्ता आ जाता है। अगर आपने तौबा किया तो नुक्ता बढ़ते बढ़ते पूरे दिल में छा जाता है।
उसको दूर करने के लिए अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत की थी। आपने आज के आखिरी तरावी तक पूरे कुरान मजीद को समाप्त किया है, सुने हो ऐसे जल्दी सफा। और हजरत अल्लाह मौलाना हाफिज अकबर रजा साहब ने पूरा 30 बार आपको इस मुसल्ले पर खड़े होकर सुनाया, सुनाया ना कितना 30 बार कुरान का 30 बार 114 सूरतें 6666 आयात है। ये पढ़ते रहे आप, सुनते रहे, पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब, कुरान मजीद को देखना भी सवाब, हाथ में उठाना भी सवाब, सुनना भी सवाब, दिल में अच्छे से ख्याल लाना भी सवाब। 30 बार कुरान मजीद का आपने सवाब किया, अब आप समझ गए होंगे कि हाफिज़े कुरान के सीने में 30 बार कुरान मौजूद रहता है। और ये हाफिजों का कमाल नहीं, ये अल्लाह के मुकद्दस कुरान का मौजज़ा है जो सीनों में जज्बा परवा हो जाता है, उनकी यादाश्त को अल्लाह ताला तेज कर देता है। और जो 312 कुरान मजीद की तिलावत करने के आदि है, ये हाफिज साहब नहीं, इसमें बहुत से लोगों की जो तिलावत है कुरान रोज करते होंगे, कोई नहीं है, है बहुत से लोग हैं ना जो हमेशा तिलावत कुरान करने के आदि है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप साथ में बैठा रहे, कयामत का दिन है, नफ्से नफ्से का आलम होगा, कोई किसी का नुकसान हाल ना होगा, लोग हिसाब किताब में परेशान होंगे। तिलावत कुरान करने वाले से रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरा बंदा कुरान की आयतों की तिलावत करता जा और जन्नत में बढ़ता जा। सुभान अल्लाह, तिलावत करते करते जन्नत में चला जा। ये है कुरान का मौजजा, दुनिया में भी बाइज्जत रखता है और आखिरत में उसके बाइज्जत होने का इससे बड़ा, इस बाइज्जत होने की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि कुरान की आयतों को पढ़ता जा और जन्नत के अंदर पढ़ता है। दूसरी हदीस से बात में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तआला इरशाद फरमाएगा, कुरान की आयतों को पढ़ता जा और जन्नत के दरजों पे चढ़ता जा। नजर दुआवा इसे करो, जब कुरान की बात आती है तो नजर से नजर मिलाकर रखो, ये कुरान तुम्हारी भी शफाअत कर देगा। एक लम्हा अल्लाह और रसूल के रज़ा के लिए कुरान से दिल लगा लो, ये लम्हा का कबूल हो गया तो पूरी जिंदगी की सियाह कामना में छोटा हो जाए। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। तवज्जो के साथ समाप्त कर रहे हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, कुरान की आयतों को पढ़ता जा और जन्नत के दरजों पे चढ़ता जा। सुभान अल्लाह, मैं दर्जा कैसे समझाऊं इनको, माला समझेंगे ये जी, सीढ़ी स्टेप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सुनो, जैसे ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, माला समझ गए। तो कुरान पाक में 6666 आयात है, तो उलमाए मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो पूरे कुरान की तिलावत करने वाला बन गया वो जन्नत के 6666 में माले पर होगा। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने वालों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका बच्चा तिलावत अल्लाह ताला उसकी अम्मा उसके अब्बा के सरों पर सोने का ताज रखवाएगा। उस सोने के ताज जिसके बारे में रसूल करीम इरशाद फरमाते हैं कि उसकी रोशनी के सामने चमकते हुए सूरज की रोशनी फेल हो जाएगी। जब ऐसी चमक वाला ताज अम्मा अब्बा के सर पर रखा जाएगा तो पूछेंगे ये कौन लोग है, इतना एजाजी वो ताज सोने का बनाया गया, इसकी वजह से सूरज की रोशनी
कहा ये वो लोग हैं जिनके बच्चे तिलावत कुरान वाले थे। और मेरे भाई शाम बाबा ने उसके बाबा को एजाजी जन्नती जोड़ा भी पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एजाजी जोड़ा पहनाया जाएगा तो मेरे भाई शाम बाबा ने जब तिलावत कुरान करने की वजह से उसके बाबा को सोने का तार एजाजी जोड़ा पहनाया जाएगा। खुद तिलावत कुरान करने वाले का मकाम कितना फर्क होगा। सुभान अल्लाह। अपने बच्चे को तिलावत कुरान वाला बनाओ। हालात देख रहे हो ना, पाबंदी पाबंदी पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, माइक पे पाबंदी, सदीहे पे पाबंदी, जानते हो ना। कल कहेंगे अपना तिलावत पे पाबंदी। इससे पहले कि पाबंदी का कहता है हर बच्चे को कुरान की तिलावत करने वाला हर बच्चे के सीने में अल्लाह का कुरान मौजूद है। इसकी वजह से हर उसे वो तो बड़ा को अल्लाह दूर करवा देगा। सुभान अल्लाह। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए सूरह फातिहा पढ़ के हाथ उठा दे तो अल्लाह ताला सूरह फातिहा के बदले में उसकी बख्शिश का ऐलान कर देगा। हजरत ईसा इस्लाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, साइड साइड में जो कब्र थी वहां अल्लाह का अज़ाब बरस रहा है। गांव में गए वापस आए तो देखा रहमत की बरसात हो रही है। कब्र में आदमी को इबादत तो करने पाएगा, जो करना यही कर लेता है मरने के बाद कुछ नहीं होगा। अब हैरत हुई इस्लाम को कि गया तो अजाब पर साखा रहमत की बरसात हो रही है। रब की बागा में से परवरदिगार आलम जब मैं जा रहा था तो इस कब्र पर रहमत अल्लाह तेरा अजाब पर साखा वापस आया तो रहमत की बरसात हो रही है। परवरदिगार आलम इसका राज क्या? अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये बंदा जिसके कब्र से तुम गुजर रहे थे ये गुनहगार सियाकार बदकार पूरी जिंदगी गुनाहों में बसर कर दिया, लेकिन मरने से पहले नेकी का काम कर गया। उसकी बीवी पेट से थी और उसने कहा मेरी बीवी इस बच्चे को जो बच्चा तेरे पेट में है इसको अल्लाह का कलाम पढ़वा देना। समझ रहे हो, तेरे पेट में जो है उसे अल्लाह का कलाम पढ़वा दे। इतना कहने के बाद इसका इंतकाल हो गया। वो लड़का जब चार बरस चार महीना चार दिन का हुआ तो उसकी बीवी मौलाना के पास गई। वो कहा मेरे शौहर की वसीयत है कि मेरे बच्चे को आप अल्लाह का कलाम पढ़ा दीजिए। और अभी अभी जब तुम कब्र के करीब पहुंच रहे थे वो बच्चा जो सांस से सामने बैठा था उस सांस ने कहा करो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बच्चे ने अपने गोदी जबान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इंसान बनाना है मेरी रास्तों को एक तरह हुआ जिसका बच्चा मुझे मस्तानों पर ही कहे उसके बाप को मेरा आसाम पर से मैंने रहमत के फरिश्तों से कहा ये रहमत के फरिश्तों कर दो। अगर किसी लाख की बात से कब्र का आजाब टल सकता है तो जब पूरे कुरान की तिलावत करेंगे उसका मकाम क्या होगा। और जिसके सीने में कुरान है सोचो उसका मकाम कितना बड़ा होगा। आपकी नजर में हाफिज जी है, आपकी नजर में मौलाना साहब है, कभी हाफिज जी सलाम के जवाब दे रहे हैं भारी मर रहा है, कभी हाफिज जी को खिलाना हुआ वो भी भारी मर रहा है। सुनो इनका मकाम क्या है, कुरान पढ़ने वाले मकाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरान व अल्लमहू, तुमने का सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे या कुरान सिखाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज अहमद साहब जो आपके मस्जिद कुबा के इमाम साहब है इनको पूरा मोहल्ला जानता है, बच्चे बच्चे जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जानता है,
दो दीवार भी जाते हैं, बोरा बंडा इलाकों की चूतियां भी जाती हैं। बोलो, और ये मदरसा ये बना भी खाते हैं बच्चों की बना तो सुनिया सली आप लोगों भी खा दिया है, बच्चियों को पढ़ने का इंतजाम भी दिया है जी, लड़कों का भी है बकाते तारी शरिया लड़कों का भी है, बना तो सुनिया सलीम पांचवा लड़कियों का भी है। सुभान अल्लाह, ये पढ़ाएंगे ये पढ़े आलिमा पढ़ाएंगी लड़कियां पढ़ेंगी, ये पढ़ाने वाले अभी लड़कों की बात कर लीजिए, लड़कों को ये पढ़ा रहे हैं बोरा, तो बोरा बट्टा की छुटियां भी जानती है, परिंदे भी जानते हैं, तालाब है अभी परिंदे जी, नदी तालाब है तालाब, अरे हाँ वो करोगे तालाब है तालाब है तालाब तालाब है, चचा आप बोलिए तालाब है, उसकी मछलियां भी जानती है, पढ़ाने वाले को मछलियां भी जानती है, एक अच्छा क्यों खड़ा हुआ है मस्ती वक्त कुरान की बात चल रही है तो मुझे साथ सुन, अगर पूरे मोहल्ले वाले जानते हो पढ़ाने वाले को चलो ठीक है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब जानते हैं चलो ठीक है, बोरा बंडा में कितनी चूतियां हैं 100-200-500 हजार जल्दी बोलो, लाखों करोड़ों है ना, वो सब जानती है, और सिर्फ हाफिज अकबर साहब नहीं जो भी सुन्नी से अपनी कुरान का पढ़ाने वाला होगा सबको जानती है, मछलियां भी जानती है। अब सुनो इनका मकाम देखो, इमाम की फजीलत देखो, हाफिज कुरान के अज़मत देखो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फज़ल आलिम अला आबिद का फज़ल अला को, ए लोगो आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है, आबिद की फजीलत इबादत करने वाले पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम आदमी पर है। कहा हुजूर कहा आदमी, सो बकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आगे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्ना अल्लाह व मलाइकातहु अला समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते और पूरे आसमान वाले पूरे जमीन वाले हत्ता नमला की उपदे यहाँ पर हत्ता लफूत ला जो संतूर अला मुअल्लिम नासे खैर, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते आसमान वाले पूरे जमीन वाले चूतियां अपने बिलों में मछलियां पानी के सलाम भेजती है इनके दिन सिखाने वाले पर, सुभान अल्लाह, हर चूती को मालूम है फला कुरान पढ़ा रहा है उसके लिए दुआएं मगफरत भी करती है और सलाम भी भेजती है, सलाम भी भेजती है, मछलियां पानी में रहते हुए पढ़ाने वाले को जानती भी है और उसके लिए दुआएं मगफरत भी करती है। सुभान अल्लाह सुभान, सोचो जिस आलिम दीन के लिए द्वार बकर चूतिया करे मछलियां करे जमीन वाले करे आसमान वाले करे अल्लाह उसके फरिश्ते उसके ऊपर सलाम भेजे, सोचो उसके बराबर कोई कर सकता है, जल्दी बोलो। इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, तमाम मुक्तदी छूट गए, समिया अल्लाहु लिमन हमिदा, सब लोग खड़े हो गए अल्लाहु अकबर सजदे में चले गए, इमाम की बराबरी कर नहीं सकता, इमाम के बिस्तर पर इमाम ना हो मुक्तदी बैठ नहीं सकता, एहतराम इमाम की बुनियाद पर है, लेकिन आज के जमाने में एहतराम खत्म हो गया, अगर तासीब और तौतीब करोगे अल्लाह दर्जों को बढ़ा देगा। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे कि आलिम को अगर ये पसरा पानी दे दिया उससे बदले गए अल्लाह तबारक तआला ये पावर अता फरमाएगा मौलाना को कि वो तुम्हारी शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा।
एक साथ थे, उन्होंने सोचा इससे बढ़ के क्या बाबूला हमें मिल सकता है। एक पदना मारे तो पदना समझते हो क्या बोलो, जिस लोटे में टोटी लगी हो उसको बदरा कहते हैं, टोटी समझते हो। अरे पलाची वाला बदना आता है ना, ये वाला नहीं, जो टोटी रहती है ये लोटा, उसके अंदर टोटी निकल जाती है वजू के लिए, उसे बदरा कहते हैं। ये बदना मारी देखिए कयामत का मंजर होगा, आज इंसान खड़े होंगे जन्नत में जाने के लिए, और जब बदले में पानी देने वाला जहन्नम की तरफ हाका जा रहा होगा, देखने वाले को पकड़ा मारा। दुनिया में तुझे पहले एक बदला पानी दिया था याद है ना, वहां सब याद आ जाएगा, हमको तुमको उनको उनको सबको याद आ जाएगा। हम जहन्नम में जाए जन्नत में जाओ। मौलाना साहब ने कहा कि अल्लाह ताला अगर तुझे पावर दे देता तो मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, कहता चल मेरे साथ जन्नत में। रब العالمین इरशाद फरमाएगा कि इस बंदे का हाथ पकड़ जन्नत में जा। अगर ये बंदा पानी की बुनियाद पर तुम जन्नती बन सकते हो, एहतराम करते हुए अपने इमाम का अगर दावा खिलाते हो तो सोचो जन्नत का पताना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप वहीं से चार रहा और अगर आप लोगों में से कोई कुरान ना पढ़ा हो तो दारू बरकाते बताते तानिश्री अल्लाह के पढ़ो पार्टी भी कोई उम्र नहीं उधर पढ़ाते हो तो तुम्हें भी मिलो काना भी सी चीन का काना पड़े तो जाओ लेकिन पढ़ो। जब पूरे घर में कुरान की तिलावत होगी तो शैतान भी भाग आएगा, फिर मुनती भी भाग जाएगी, जिन्नात भी भागेगा, सारे वो बंदर का नसीब होगा, बुरा होगा कि नहीं होगा। और कुरान की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत भी अता फरमाएगा। ये कुरान का नज़ूल हुआ, जब कुरान नाज़िल हुआ सबसे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्शद शरीफ का 40 साल पूरा हो गया, हारे हेरा में अल्लाह की इबादत में पहले से मशगूल रहा करते थे, जब हजरत जिब्रील आए और जिब्रील ने मुस्तफा का रहमत से आज की आरती कुरान पढ़ी, ये है कुरान की पहली पहली पसीने हो गए वहां से सीधा अपने काचारे लोगों पे पहुंचे, सैयदा खदीजतुल कुबरा थी, कहा सकिलूनी सकिलूनी या खदीजा मुझे कंबल ओढ़ा दो, कि वक्त में जो फिर जो आपका खजाना भाई था वहां ले गई, कहा अगर वाकई तो कह रहे वो हक है तो आने वाले जिब्रील है, आने वाले पढ़ाने वाले जिब्रील है, और यही आखिरी रसूल है, खातमुन नबीयीन है, शफीउल मुस्लिमीन है, रहमत आलम है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला 2 साल का मुकद्दर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सोच पे का पड़ोने में आराम करवा है, जिब्रील अमीन आए भी एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल मुद्दस्सिर कुन फंज रब्बका मकब्बिर वसलामका फताहिर। ए झूठ मान वाले महबूब उठिए, अपने रब की पाकी बोलिए, उसके बाद सिलसिला वही का शुरू हो गया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह का इरशाद हुआ वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए रब अब खुदा की इबादत किया अपने खास करीबी लोगों को सुना दीजिए। पारा निचोड़े पर सफा पानी और अल्लाह को खड़े हो गए, इशारा फरमाया या कुरैश सब
पूरे कुरैश के लोग जमा हो गए पहाड़ी के नीचे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं बोलूं कि पहाड़ी के इस तरफ मौज आ रही है जो मक्के को तक उतारा कर देगी, तो क्या मेरी बात मानोगे? सब ने कहा हाँ। पूछा क्यों? कहा पहली वजह तो ये है कि आप अमीर हैं, साधक हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, और दूसरी वजह यह है कि आप पहाड़ पर हैं, इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं। समझ रहे हो ना, पहाड़ वाला इधर भी देखेगा, पहाड़ वाला इसलिए मानेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे मकाम पे पैदा किया है कि दुनिया भी देख रहा हूँ आखिरत भी देख रहा हूँ। उससे अल्लाह अपने बाप दादाओं के बाबूओं को की तस्दील सुनकर चले उन्हें बोला कोई कुछ नहीं। हुजूर का रिश्ते का सगा चाचा अबू लहब उसे कहा, तब बल का या मोहम्मद, ए मोहम्मद तुझे इसीलिए बुलाया था कि हमारे स्वभाव से वाकी बनाकर अपने बेटे को लाठी इबादत करने के लिए। महमूद खामोश है, इसका जवाब रब्बुल आलमीन ने दिया, सूरत तब्बत यदा करीब करीब सभी को याद होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा करीब करीब वतन। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, तबाह हो जाए, और हो गया तबाह। मैं अपना अम्मू मैदू व मैं कसब, उसकी माल उसकी कमाई का माल काम नहीं आया, उसकी दौलत काम नहीं आई, उसका कोई कसब काम नहीं आया, वो उसकी बीवी जहन्नम के आग में फंसाए जाएंगे, उसकी बीवी इसहाक में जाएगी जहन्नम में, उसे गले में लकड़ी का गट्ठा होगा। याद करो बुढ़ा ने कहा था, अरे महबूब तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाए, रब ने फरमाया महबूब हाथ क्यों बुढ़ा तेरे दोनों हाथ टूट जाए, और टूट गया तो बहुत बर्बाद हो गया। उसके बाद जब तबलीग का आम तुमको मिल गया, फसला तू मन आम लोगों ने सुना, तो पाए मक्का शहर भूल गए, जो भी अल्लाह के इस तरह सुनता दिल इसका नरम होगा, और एक अंडा अंडा वाहिद उसके रसूल के निशान पर ईमान लाने का, तो जातियों को पाए मक्का ने क्या कहा, ये इनका गढ़ा हुआ पड़ा, इनका बनाया हुआ पड़ा है। और हमने इंसान फरमाया नहीं कुंतुम की मैं मैदा सलाह दूसरी जगह पर आयत ही बना दो, देखो एक पुल वाला जहाज बनाता है तो सब वाला बना सकता है कि नहीं, दूसरा पुल वाला नहीं बना सकता तो बोलता क्यों नहीं? दूसरे पुल वाले ने जहाज बनाया, वैसा जहाज तीसरा वाला बना सकता है कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो क्यों? बंदों की तकलीफ दूसरा बंदा कर सकता है, लेकिन मच्छर छोटी सी बात है, एक पर तोड़ के पूरे दुनिया के साइंसदानों को चैलेंज कर दो, पूरे दुनिया वाले मिल करके मच्छर के पर को जोड़ कर उड़ा नहीं सकते, उड़ा सकते हैं? जल्दी नहीं बोलो क्यों? रब की तकलीफ में बंदों की शिकायत हो सकती ही है। आज आपके सामने अरबी पढ़ दिया है तो आप समझ नहीं होगे कि अरबी रसूल पाक का फरमान हदीस है या अरबी अल्लाह का कुरान वजीद है या अरबी अरबी बोली है, नहीं समझ पाओगे। अरबी के अलावा सबके लिए है, कुरान चेंज कर दिया, महबूब भी बदला तुम भी बदले, अगर महबूब ने बनाया तो तुम भी बना के बताओ, लेकिन अल्लाह की तकलीफ में लोगों की शिकायत हो सकती है? यदि वो नहीं कुफार मक्का ने सर छोड़कर तमाम बड़े बड़े दानिशों को इकट्ठा किया, मुसलमान बोला को इकट्ठा किया, कुरान का जवाब
जवाब देता महीने के बाद मैंने एक सूरह बना दिया तवज्जो के साथ सुनोगे तब सवाल पाओगे। उसकी बेटी निकली कहा पा क्या खुशी नाजिल हो गई आपके ऊपर आप मस्त हो गए बेटी मुझे आने वाले जिसका जवाब ना दे सके पढ़ा का मैं जवाब तैयार कर लिया एक सूरह बना लिया आयत नहीं सूरह बना लिया। बेटी ने पूछा कि पहले मुझे सुना बोल कुरान के मुकाबले में सुंदर पढ़ी कैसी है कहा बेटी कुरान में आया है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-क़ारियातु वल-क़ारियातु यौमा यकूमु अन्नासु कल-फराशि अल-मबथूसि वतकूनु अल-जिबालु कल-अहलि अल-मनफूश। इसके मुकाबले में मैंने बनाया बेटी ने पूछा सुनाओ तो इतराज
तीन लफ्जों में रास्ता जब वो पूरा जो कुछ काटे काटे बैठ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शाप लगाते हैं तुम खड़ा हो जा मरते जी के खा हुआ अभी खा ही हुआ ना उन्होंने बोला इतनी ऐसा अभी वो बैठा ही था उन्होंने बोला तुम खड़ा हो जा अभी वो खा ही हुआ था ना उन्होंने बोला इतनी आए दो तीन चक्कर में उठा बैठा तो जानते उसने क्या कहा अतक तफिजुनी हुजवा मेरा मजाक उड़ा रहे हो उठा बैठा लगा रहे हो आना शेख उनके बाद और मैं बूढ़ा शख्स हूं और हाजा शेख और रोजाब के ताज्जुब की बात है कि बूढ़े को उठक बैठक लगाई जाए और मसला किस लफ्ज का था इसी तीर का हुजवा तेबार और रोजाब और अल्लाह ताला ने तीनों लफ्ज उससे कहलवा दिया कहता का सिद्धि हुजवा मक्के के काफिर से हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा ये शेख वसीम अली खैर ने कहा हाँ कहा देखो हुजवा बोल रहा है कहा तुम्हारा ये शेख वसीम अली खैर ने कहा आधा शेख उठ के बाद बोल रहा है कहा ये तुम्हारा शेख वसीम अली खैर ने कहा हाँ तो कहा आधा शेख को जा बोल रहा है अब ये बेहारे पसाद तो बुलाकर में कुछ हुआ कि नहीं हुआ तो कहा हुआ उस बूढ़े ने कहा कि कहा मसला क्या था कहा कुरान अल्लाह का कलाम है मसला इसी में था अल्लाह का कलाम है कि नहीं उस बूढ़े ने कहा अल्लाह का कलाम है और मैं तस्दीक करता हूँ कलमा पढ़ो उससे जुले बात हाँ अल्लाह सुबह असी साल के लिए इस्लाम में बस इतना समझ लो अल्लाह का कलाम है कोई गरमी का पाएगा ये वो अल्लाह का मुकद्दस कलाम है जिसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा जो कुरान को पसे कुछ डालेगा वो हमेशा जलील होगा कुरान पढ़ते रहो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा सुभान अल्लाह ये कुरान के नज़ूल की शब है शब ए कद्र कुरान के नाज़िल होने की बरकत से 1000 महीनों के बाद एक रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो वह उससे ज्यादा हाजिर हो जाती है बात यह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद इब्राहिम था एक हजार महीनों तक रोजा रखा एक हजार महीनों तक जिहाद किया एक हजार महीनों तक आपको कयाम दिया शब्दूर इबादत कर दिया साहब अचल उठे कहा यार सुल्ला भाई तो उम्र इतनी नहीं है कि रासिक सात चार बजे तो खाने से बाद तो गुजर गया हमारी उम्र है कोई तीस साल चालीस साल पचास साल बारह साल जब आप भी निकाल दीजिए अगर उम्र होती तो हम भी ये बात करते तो अल्लाह ने चाह कि महबूब के उम्मतियों को मेहनत कम मजदूरी ज्यादा मिल जाए सदके में एक ही शब्द एक हजार महीनों से ज्यादा सवाब हासिल हो जाता तो शब कदर का सवाब एक हजार महीनों वाला किसको किसको हासिल होगा जो पांच रात जागेंगे जो पांचों रात पांच रात का इंतजाम करेगा बस पांच चाबी है एक से नहीं दो से तीन से आठ भी हो सकती है और तीसरी को हो सकती है परसों वाली रात में भी हो सकती है पच्चीसवीं तेईसवीं इक्कीसवीं हमेशा अपना ख्याल रखना और शब कदर की फजीलत को पा लेना हमारे आने से पहले हजरत तकरीर कर रहे थे माँ बाप का जो माँ बाप का नाफरमान होगा ये शब कदर की फजीलत उसे न मिलेगी बच्चे रेडियो जोर से देने लिए खिड़की माँ ने कहा बेटा जरा बताओ चलिए मैं जा रहा हूँ कब की हुई धूप है माँ को याद आया एक सवाल को बातें रह गया कहा बेटे जरा इसको भी ला लो बच्चा नहीं अभी नहीं मैं जाएगी धूप में जाएगी मैं कहीं नहीं बेटा माँ पीर के हाथ में जो चूमने वालों पीर के कदम में से जन्नत नहीं है लेकिन माँ के कदमों के नीचे अल्लाह देने वालों की को राजी करने वालों कभी
नोट जुटाने वालों, तुम्हारे वहां प्रभाव नहीं है, झारखंड बिहार बंगाल यूपी उड़ीसा शहरों को ऐसे उड़ाते हैं, सुने होगे ले तो यूट्यूब पे देख लेना। उड़ीसा गया था तकरीबन के शायद नोट पर सही थी, शायद पढ़े वहां बैठ गया, मैंने कहा शायरों को तुमने दिया अल्लाह उसके रसूल के रजा की नहीं है, उन्होंने कहा झूठ। 365 दिन इमाम तो हर वक्त निकल करता है, कभी बुलाया सो गया इमाम को कभी दिया, एक घंटे के लिए शायर आया नमाज रोजा का हज का सका, गाड़ी की तरह से पढ़ने वाले से गाया तो कुछ देख करके अल्लाह उसके रसूल के कुछ नहीं करते हो, पैसा उड़ाना भी हराम देना भी हराम, शराब की बोतल दूध को शराब की स्टाइल में पीना भी हराम। मैं कच्चा हुई बाबू देखता हूँ कितनी हिम्मत रहता उसके रसूल के कहते जाने वाले हो, एक को खड़ा किया सो कर दिया, मैंने कहा तुम ही खड़ा तुम ही खड़ा, देखती ही देखती इमाम साहब के पास कितनी नोट जमा हो रहे हैं, इमाम को देने के लिए जानी करती है, शायरों को देने के लिए खूब अच्छा लगता है, तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप तुम्हारी जन्नत भी है जहन्नम भी है, सावर से दोनों कैसे हो गए, और मैं जिसने माँ बाप को नाराज कर दिया जहन्नम का दरवाजा उसके लिए उसी वक्त खोल दिया गया, कब खोला गया दरवाजा, जिसने माँ बाप को नाराज किया, माँ बाप को नाराज किया जहन्नम का दरवाजा खोल दिया, वो दरवाजा शाम तक रहेगा, शाम को नाराज किया रात भर खुला रहेगा, और किसी आदमी मर गए उसी दरवाजे से जहन्नम में डाला जाएगा, और जिसने माँ बाप को राजी कर लिया जन्नत का दरवाजा उसी वक्त खोल दिया जाएगा, शाम तक खुला रहेगा, शाम को राजी किए सुबह तक खुला रहेगा, उसी आदमी दुनिया से गए उसी दरवाजे से जन्नत में जाओगे। माँ बाप को पीरों से ज्यादा मोहब्बत पेश करो, सब खुदा के अल्लाह उसके रसूल राजी हो गए। तो जो माँ बाप का ना परवान है इस शब्द में खुद भी रमाएगा, जो नबी का अवतार है इस शब्द की फजीलतों को रमाएगा, जो शराब पीने का आदि है इस फजीलत में से कुछ भी रमाएगा, अब जो जुआ खेलने वाला है वो इस प्राप्ति फजीलत में कुछ भी ना पाएगा, जो लड़ाने वाला है इधर की बात इधर इधर की बात इधर चुनाव फोर वो भी नहीं पाएगा, पार्टी वो भी नहीं पाएगा। अल्लाह ताला हम सबको रमजान शरीफ की इस मुकद्दस शब की फजीलत अता फरमाए, आमीन, और जैसा हक हो उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारे, कुरान के मुताबिक जिंदगी को गुजारे, और चले तो कुरान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक ही हम जिंदगी का हर फैसला करें, बोलो जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। आप क्या हालात देख रहे हो, सोशल मीडिया वाले मोबाइल सबके पास होगा ना, इनको इधर देखा उसको देखो, अब कोई भी नजर घुमाई नहीं, हम खबर आपको आ गए तो हम तो कभी मौका मिलता है आपको तो थोड़ा सा देख ली है, नहीं तो वो भी नहीं है, आप लोग तो देखते ही रहते हैं, एक पत्थर के मुकाबले में घर बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, बोलो हाँ आसान की आवाज एनर्जी हो गई हिजाब से एनर्जी ही तो है। अच्छा तुमने सुना होगा कि किसी एक ने कहा था कि हलाल जमीन को बैन किया जाए, सुने हो कोई साहब, नहीं सुने हो, अरे सुने ही नहीं, तो अब सुन लो, आप सुने कहा कि हलाल गोश्त सलाम ना खाने पाए छक्के का खाए, माइक पे पाबंदी लगने वाली है, सुने हो, ये भी नहीं सुना, नहीं फिर जुमा पे पाबंदी होगी तो कुरान पे पाबंदी होगी, मुसलमान पे पाबंदी होगी, मुसलमानों पर तबाह और पाबंदी देंगे, पूरी साजिश की जा चुकी है, मुसलमान आगे तेल डाल के सोया पड़ा है, जो कुफर शिर्क की आदि दो से इश्तर को जला सकती है बगैर दवा के जलाने में 5 सेकंड नहीं लगेगा, लगेगा
अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, मैंने कहा कभी नहीं आएगी अल्लाह की मदद। क्या बोलते हो बोला, मैंने कहा डर के बिच्चों पर जवाब नहीं बोलता है, मृत्यु भी अल्लाह की मदद आई थी। मैंने कहा अल्लाह की मदद मुफ्सिदिया पे आई नहीं, रोहिंग्या मुसलमानों पे आई नहीं, कश्मीर में आई नहीं, गुजरात में मदद आई नहीं। अल्लाह की मदद के उम्मीदवार थे, मैंने कहा अल्लाह की मदद आएगी, बदर वालों पर आई थी, तुम भी मैदान में निकलो, अल्लाह की मदद आएगी। पत्ते खाना में नसीब नहीं हो रहे थे, जंगे खुद में अल्लाह को मदद आई, जंगे खैबर के वक्त अल्लाह को मदद आई, फतेह यतरूस के वक्त अल्लाह को मदद आई, फतेह रूम और ईरान पर अल्लाह को मदद आई। जब मैदान में मरते मुजाहिद निकला था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम भी बैठे बैठे अल्लाह की मदद आ जाए तो अल्लाह ऐसों की मदद नहीं करता, वो कुछ दिल हो निकलो हिम्मत करके, सुभान अल्लाह, हिम्मत मरना मदद है खुदा, सुभान अल्लाह, उस दिली को छाप कर फेंको, उस दिलों को जिंदा रहने का कोई हल नहीं है, जिंदा हो तो ईमान के साथ जिंदा हो, दुनिया से जाओ तो ईमान के साथ जाओ, सुभान अल्लाह, सबसे पहले तो सच्चे मुसलमान बन जाओ, तुम्हें मुसलमान पसंद नहीं है, तलाक को 10 मिनट अंदर करके खत्म कर दूंगा। इस्लाम पसंद है, इस्लाम क्या है, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा पसंद मजहब इस्लाम है, सुभान अल्लाह, अब उन लोगों को रजी इस्लाम से है, वरना हलाल हम खाए, किसी का कलेजा क्यों फटे, हिजाब बच्ची लगाए कलेजा क्यों फटे, तो उनका निशाना इस्लाम है, और इस्लाम के मानने वाले जो मुसलमान कहते हैं वो इस्लाम पसंद है कि नहीं, पसंद है, और मुसलमान नहीं पसंद है, बच्चे को पसंद है, चच्चा को पसंद नहीं, बच्चा को बोला चच्चा बोलो, इस्लामी चेहरा पसंद है, नहीं पसंद है, नस्ब थोड़े तो बैठ जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दासा तक ना होगी, दासा रोगे, दो से तारीखों को पढ़ते रहे बात से देखो, अगर तुम चाहते हो कंडा की मदद आए, हिम्मते मरदा जिसके हुक्म पर डूबा वो सिर्फ मस्जिद से वापस आ जाए, जिसके इशारे पर दरख्त अपनी जगह से खसीटता हुआ रसूल के दरगाह में पहुंचकर रसूल का कलमा पढ़े, जो मुझे पर मुट्ठी में तकलीफ है, ऐसे वाकया रसूल को जंगे बदर 160 किलोमीटर मदीने पाक से दूर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस चक्कर में मत बैठो कि हम बैठे रहेंगे अल्लाह की मदद आएगी, हम मुस्लिम दिखाएंगे अल्लाह की मदद आएगी, नहीं, जंगे बदर में मुसलमान पता किए लेकिन मैदान में जाने के बाद सुभान अल्लाह ये सब काम असल में कर रहे हैं। पुलिस का यूनिफॉर्म अलग, नेवी का यूनिफॉर्म अलग, मिलिट्री का अलग, एयरफोर्स का अलग, क्यों
ताकि लिबास देखो तो समझ जाओ ये है कौन। ये सुन पा रहे हो? सुबह यूनिफॉर्म है समझ आया बॉस है। हर स्कूल का यूनिफॉर्म अलग, ताकि यूनिफॉर्म देख के समझ आओ ये पढ़ाई स्कूल का है। सबका वो लोग बराबर है, मुसलमानों की पहचान है इंसानों में। अगर मुसलमानों को पहचानना हो मुसलमान कौन है तो उसकी भी कोई पहचान होगी नहीं है? है क्या है? यही दाढ़ी आप बोल सकते हैं। तो हशर किसके साथ चाहते हो? हुजूर के साथ, सहाबा के साथ, बॉस के साथ, आदत के साथ, दिनचर्या के साथ? नहीं सर, खोवा मुझे दाढ़ी उठो के साथ किसके साथ हशर चाहते हो? नहीं सुन रहा है वो जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ उसको अल्लाह उठाएगा। तो सच्चे मुसलमान तो बन सकते हो ना, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा ना। सबसे पहले इस्लाम के चाहने वालों चेहरे पर अल्लाह का नूर सजाओ, ताकि दूर से लोग देखें समझ जाए ये रसूल अल्लाह का दीवाना है। और जो लोग इतनी इतनी दाढ़ी रखे हुए हैं तो अब इतनी इतनी नहीं एक उस दाढ़ी रखना है, जो दाढ़ी रसूल पाक की है, जो दाढ़ी सहाबा की, जो दाढ़ी उसब खाला की है, जो दाढ़ी आराधक की है। कोई के सामने आ जाओ ना कि मुसलमानों को शक की निगाह से देखने वालों सुनो, कभी मुसलमान था आज ही मुसलमान हो, दुनिया से क्या होगा तो मुसलमान फट गया। सबसे पहले दाढ़ी रखने के लिए कौन दीवाना खड़ा होता है? खड़े होकर बताओगे? दाढ़ी रखने के लिए बताओगे वही खड़ा होगा जिसको दाढ़ी रखना होगा? इधर साइड पे हो जाओ, साइड में बड़ा करने से एक कौन दाढ़ी रखना है? छुपो मत, खड़े हो जाओ दीवानो, आओ दुनिया वालों को बनाओ मुस्तफा का दीवाना मरा नहीं, सो गया था। तुम लोग बीच में दीवार बन गया, देखूंगा मैं सीधा रख दूं तुमको, आ जाओ इधर जल्दी आओ। ऐसे हो जाओ देखने तो उसको जाओ साइड पर, साइड पर चचा अरे खड़े हो जाओ, ये है दावत, ये है गरीबा, आओ कोई काम करे, मौसम का तुम करते रहो काम नहीं थी। और गोवा मस्जिद में आने वाले मेरे नबी ने दीवानो वो करम अल्लाह के जाने खड़ा करके तो दे बल्कि रहमत की पानी भी तुझे आवश्यक। इतनी उतनी दाढ़ी वाले थे कि सब खड़े हो गए। अब आप लोग क्या बोलो, सब छुप गए हैं, इधर क्यों नहीं आते हो? अच्छा सब लोग नहीं बैठोगे? और जितने दाढ़ी रखोगे पांच पांच दाढ़ी रखोगे, जल्दी बैठी का आप लोग खड़े हुए थे, पीछे वाले खड़े हुए थे, अब ताजे ताजे लोग खड़े हो गए। पिछला गुनाह माफ, मेरी गारंटी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया तौबा करने वाला जब तौबा करता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ ही नहीं मिटा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवानों दो कदम अल्लाह के जानी तोरा पर के तो के पर के आसमां फोन उठाने की तुझे आवाज है और खुदा के आसमान उस खुदा के हालत नहीं बदल रही खड़े थे और एक आदमी को खड़ा कर दिया, पांच पांच लोग उधारी रखोगे। कल से परसों तक हजरत का फोन आ रहा है, हजरत इतने हजार लोगों ने दाढ़ी रखने के लिए हाथ दिया है,
ये सोच के दाविद को भी आपसे नाराजी हो गया, या ना हम तेरे रसूल के उम्मती है, या ना हमारी इस तौबा को कबूल करना। इधर वाले कोई खड़े नहीं हो रहे, क्या बात है? जिन भी खड़े हो चुके थे वो भी खड़े हुए, सबको खड़ा कर। और जब हर कोई दाढ़ी रखेगा ना, तो दो दाढ़ी वालों का आतंकवाद नहीं कहेगा, दस दाढ़ी वाले यहां खड़े हो जाएंगे, इज्जत की निगाह से देखेंगे, देखेंगे ना, और कहेंगे दुनिया में इतने मुसलमान अभी तो पता नहीं चल रहा, इसने सब बिदल भक्ति दे रहे हैं। जब मुसलमानों की तारा देखेंगे तो बोलते हुए सौ और सोचेंगे पहले तब जुबान से बुद्धि काटेंगे। ये जीतने बैठे हुए सब लोग खड़े हो गए, तौबा के लिए तैयार हुए, जल्दी बोलो टाइम होने जा रहा है। सामने वाले भैया आप खड़े हुए थे, खड़े हो जाओ, देखो मैं आपके बाजू में चश्मे वाले भाई वाले, ये भी चश्मे वाले भाई, उनके बाजू में भाई जितने हैं पूरे मस्जिद तौबा में एक आदमी भी बगैर दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि अल्लाह की एक बंदे बन जाओ और मर्दे मैना बन जाओ। अगर किसी मुसलमान पर किसी मोहल्ले में सुलभ होना, दस मुसलमान निकलो और सालिम के सुलभ से मुसलमान भाई को बचाओ, समझ रहे हो ना? अपनी जान की हिफाजत करना, अपना दिफा करना, ये शरीयत से भी जायज है, हुकूमत से भी जायज है, अपनी जानों की को बचाना। इधर कोई बचा तो नहीं है, और ऐसे ऐसे दीवाने जब खड़े हो गए ना, असर पता कि दिल मेरा बाप बाप हो गया। आप ही खड़े हुए थे चाचा, तुम्हारे पीछे तुम्हारे पीछे आप ही खड़े हुए थे, खड़े हो जाओ भी, अरे खड़े हो जाइए, दुनिया वालों को बता दीजिए हिम्मत नहीं होगी नहीं, अरे बाजू वाले चाचा को, हे बच्चे ये कसम खड़े रहिए, बताए मसला बता दे, ये जानते हैं जो लोग खड़े हुए हैं इनका मकाम क्या है, हमसे लाख दर्जे अच्छे हैं, इसलिए कि उनके गुनाहों का अल्लाह ने सिर मिटा दिया है। और हिम्मत जब पैदा करोगे, एक किसी और को खड़ा कर दीजिए यहाँ, हाँ करो, ये हुजूर की उम्मत की खुशूसियात है, दूसरे को देने का हक देते हो, बुराई से रोकते हैं। कोई है नहीं आपका दोस्त, सुभान अल्लाह, ऐसे पांच पांच लोगों को ताने पाओ, जितने दोस्त है सबसे कह दो मेरी दोस्ती किसी पर रहेगी या ताने रखोगे, सब खड़े हो गए पीछे वाले बाकी है, इतना तो साथ दे सकते हो, मेरा नहीं दे सकते हो, सब लोग खड़े हुए थे आपके बाजू में इधर उधर, बस कितनी बात सुन, दूसरी बात ये पांच टाइम नमाज पढ़ना कंपल्सरी है, खाना नहीं खाओगे तो चलेगा, नमाज अदा नहीं होगी रमजान के बाद भी, एक वक्त नमाज अदा नहीं होगी। और जितने घर वाले हैं, बीवी वाले हैं, बच्चे वाले हैं, बच्ची वाले हैं, अगर फैसला करके मस्जिद मुबारक से जाओगे, घर के तमाम लोगों को नमाज पढ़ने को मजबूर करूंगा, कह दो बच्चों से मेरी कमाई का बाप अगर खाना है पंच वक्त नमाजी पढ़, और हर घर में जब कुरान की तिलावत होगी, हर घर में खुदा की याद से दिल मामूर होगा, रहमत की बरसात होगी कि नहीं होगी, होगी बुजुर्ग सफर कर दो, हमारा चेहरे नहीं रुकम का इशार है, बड़ा तहलू बड़ा तहलू मालूम आला और नहीं तो नौकरी, तुम्हें घबराने टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कामयाबी तेरे लिए है, शक ये है कि सच्चे मोमिन बन गए, सच्चे मोमिन बन गए तो कोई अल्लाह का सकता है, इनके सोने वालों का निगाहें वाले मोमिन से बदल जाती है, तकबीर है, हाँ वो मुसलमान थे, मुसलमान वो मुसलमान थे, तुम मैदान में निकल आए तो कैसा उसके साथ किस रात को कुचल आए, जहां पहुंचे सभी को आसमान से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे करो दीवार का नक्शा बना आए, समंदर में उनके दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों में उनके पैस के चश्मे उबर आए,
तीन पैर आप जाके आए मेरा पहले नंबर पर ताली पांच पांच लोग को रखवाओगे दो नंबर में नमाज पंच वक्त पढ़ रहा है दुनिया चंद नजर है बोलो तो क्या करना है दूसरे नंबर में अब खत के तमामी लोगों को नमाज पढ़वाना है तैयार हो ना अपने अपने घर में पैगाम पहुंचाओगे ना जल्दी बोलो हाँ हर बच्चे बूढ़े जवान को कुरान पढ़ना है अपनी मदद से कोई बड़े बूढ़े आएंगे तो पढ़ाओगे ठीक है इमाम साहब कह रहे हैं हजरत मौलाना अकबर रजा साहब ने हमारे वहां इंतजाम है बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो जो भी हो और नाम लिखवाइए उसको फोन करके बोलिए दो महीने में पूरा कुरान पढ़वा दूंगा ये जवान दीन की गारंटी है इक्कीस महीने वाले जितने बच्चे हैं दो महीने के अंदर कोई उर्दू पढ़ाने की गारंटी हमारी है पढ़ा रहा इनका काम होगा दुआ करना मेरा काम होगा पढ़ना आपका काम होगा अपने घर वालों को इस्लामी साचे में ठा दो और ये तकलीफ जो मैं दे रहा हूँ ना ये व्यक्ति तरीके से नहीं दे रहा अल्लाह का कलाम सुनिए कुरान नंबर 28 सूरह तकी आयत नंबर 6 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितने भी हमारे बाल बच्चे वाले भाई है अपने देखा में आज जवाब पहुंचा और अगर थोड़ा बढ़ना है ना पूर खेलो सब के सब नमाजी बन गए तो रेलवे पार्क मोहल्ले का नाम क्या है ये एल्लापुर है तो उधर भी कुछ होगा कि मैं लिख के देता हूं तुम पूरे नमाजी बनो ताली वाले बनो सबका जगह का हक दीवाना ताली भी रखेगा नमाज का पाबंद भी होगा और फिर तुम्हारी ये खुशबू अपनी पेट पहुंचेगी फिर तुम्हारी खुशबू हसरत पेट पहुंचेगी फिर तुम्हारी ये खुशबू उनको जवाब के मोहल्ले में एक साथ अगर पहुंचेगी फिर तुम्हारी ये खुशबू दूसरे मोहल्ले में पहुंचेगी और जो जो ताली रखेगा जो जो नमाज पढ़ेगा सबका सवाब उनको मिलेगा उनके सवाब में कमी नहीं होगी लेकिन बच्चों उसको दोबारा बोलना ना पड़ेगा पक्का वादा है ना बोलो रमजान शरीफ में भी और बाद रमजान और आपको अपने बच्चों में तबीयत दी उनको बता दीजिए हम मुसलमान है मुसलमान करके जिंदा रहे अपनी लड़कियों को पहली बार दलितों के बीच भेजो मत मैं भी पहली शब कदर बेंगलोर में तकलीफ किया ये बड़े बड़े मौलाना को बड़े बड़े गायकारों को 25-50 हजार दे के बुलाना पर पैसा जमा करो और एक हॉस्पिटल वाला छोटा ही सही तू ही डॉक्टर वाला क्यों नहीं एक स्कूल बना और अपनी बच्चियों को उस स्कूल में भेजो जहां उनकी इज्जत पर कोई हक ना रहता है अब छोटी छोटी बच्चों को भी निकाह करना 9 साल की बच्चियों के निकाह करना इसलिए एक मजबूत बोलने लगा पोते का जिक्र नहीं अमेरिका गढ़े बड़ा ने कहा है कि लड़कियां औरतें जब बाहर निकले तो अपने आचरणों को अपने मुख पे डाले ये नकाब नहीं तो और क्या है नहीं है और कुरान ने रीजन भी बता दिया ताकि तमाम औरतों में परेशान हो या नाक में बंदी जा रही है इज्जत की हिफाजत भी
और पढ़ो तुम्हारी बच्चियां दो दो घंटा स्कूल से देर करके आते हैं, इमाम साहब दो दिन घंटे का देर कर गए तो सब पलट कर देखेंगे जैसे लग रहा अल्लाह का खाता देखेंगे इमाम साहब ने आए नहीं दो मिनट के लिए बच्ची दो घंटा में हाजिर रही किसी के काम में जू रहेगी बोलो बाप तो काम पे रहता है मारे कोई काका दो घंटे कहा थी अपने बच्चों पर काका दो घंटे कहा था एक एक मिनट ऐसा हो अपनी बच्चियों को अकेले बाजार में भेजना पर साथ में भाई जाए ऐसा बाप करना था किसी ने बने अगर मारी दो घंटा बोल कर मुस्लिम औरत नमाज पढ़ती है तो नमाज मकबूल तहरी भी बात में ज्यादा होगी बात छल के ये भी हराम है बात खोल के मटर गश्ती के लिए हराम नहीं होगा लेकिन ये रिश्ता है मोहम्मद बस इस तरह निभेगा उसका पता पड़ रहा है उसको पता पड़ रहा अच्छा मेरी तकलीफ से कोई नाराज तो नहीं हो गया हजरत आने पा रहे हैं वो तो जरूरी है कि नहीं एक साथ बोले मैं बोल रहे हमारे करने से कौन तारी रखेगा मैंने कहा कहना तुम्हारा काम है मेरा रब्बुल आलमीन देगा सुभान अल्लाह और देखो तो सही मैं जितनी तकलीफ कर रहा हूँ आपको इतना कहना भी नहीं पड़ेगा बस कहो मेरे दोस्त मुसलमान हो मुसलमान बन गए हो इंसान फौरन तैयार हो जाएगा उसके साथ साथ अपने सकात अपनी देख रहे पर जानी पहचानी जगह दो सकात निकालना भी फर्ज है और हकदारों तक पहुंचाना भी आप सुना भी किरदार फरकाते ताली शरिया और बड़ा तुस्निया सगी फातमा लड़कियों की तारीफ का मौलाना साहब ये दोनों लड़कियों और लड़कों के तालीम हासिल करने का एक बेहतरीन मौका प्राप्त हुए हैं तो आप हजार बढ़ चढ़ कर दामे दिल के खतरे सौंपते साथ दें बाहर आपने चंद्र गया पता नहीं चंद्र सही जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा तो ये आपकी नजर के साथ देखना समझ रहे हैं आप हजरत दर्शन करने से हिस्सा लीजिए और हजरत को बता दीजिए कि हम आपके साथ हैं कल मैं जब आओ तो ये कह दे कि मैं अकेले ही चला था जाने के मंजिल लोग आते गए और कारवा बनता गया तीन तारीख ये जितने बच्चे नजर आ रहे हैं इनको इतनी तालीम दे दो कि जवान होने के बाद ये अपने आने वाली नस्लों को सच्चा मुसलमान बना सके खुद मुसलमान नहीं खुद दीनी तालीम दे तो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे और ये आपका बच्चा डॉक्टर बने इंजीनियर बने दुनिया के किसी मुल्क में जाए तो लोग देखे तो देखते ही समझ जाए ये मुसलमान का दीवाना है और तब उन्हें जाओ वो मक्का यकीन कर ले मुसलमान का दीवाना है और हश के रुखो आयामत के सिपाही कहते हैं कि रास्ता छोड़ो ये मुस्तफा का दीवाना आ रहा है अगर आपा देखे तो कह दे हट जाओ फरिश्तों ये मेरा दीवाना है आपके छुपाने
करे सदरे कयामत के सिपाही वो किस टुकड़े जो तेरे ताकत पहुंचे सुभान अल्लाह। तो आप कानून बता देता है सरिया का चंदा मोहन द्वारा लोग कर रहे हैं कि करेंगे जी। आप सब खुश हो रहे हैं बताते ताली शरीया और बड़ा तो सुनिया सने फातिमा को लड़कियों का इदारा है उसके लिए खुश है साथ हो गया ना वर्षा के पहली बात को और सब कहाँ कहाँ जाएंगे आप खुद आके दीजिए दूसरों को बोलिए कि आप जाके दे दीजिए और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर ये या कमेटी का कोई आपकी चला जाएगा और जो आलिमा पढ़ने के लिए आएगी उसकी हर महीने तनख्वाह दी जाएगी उसका भी इंतजाम करता है। मैं तो कहता हूँ हजार दो हजार ज्यादा लगे आलिमा भी आए तो कितना टल हो सस्ती चीज सस्ता तो एक बार बार महंगा तो एक बार हजार दो हजार महंगा ही सही लेकिन ऐसी हो जो तकबीर के साथ बच्चियों को कुरान की तालीम दे सके इसका जवाब मिलेगा लड़कों का भी लड़कियों का भी तो इसकी जिम्मेदारी भी कमेटी वाले होंगे ना फिर है ना। तो आप सब हालात पूरी करके सैलरी का इंतजाम आने जाने के लिए अगर इंतजाम की जरूरत हो गाड़ी का इंतजाम मतलब ये है कि इस दीन के काम में पर्सन के हिस्सा लीजिए। आपने किसी गरीब को 10 रुपया दिया सवाब कितने का मिला 10 रुपये का और अगर ये 10 रुपये से किसी बच्चे को तालीम हासिल करवा दिया तो बच्चे का सवाब भी आपको मिलेगा वो जिसको पढ़ाएगा उसका सवाब भी मिलेगा वो जिसको पढ़ाएगा उसका सवाब भी मिलेगा कयामत तक इसका सवाब पढ़ता ही चला जाएगा। तो पर्चा कैसा लीजिए ये हजरत वाला अकबर रजा साहब की मोहब्बत और रमीश भाई की मोहब्बत कि मैं आ गया दारुल कदर निगर का पाक नाम पे पूर्ण यूपी में चला रहा हूँ। अभी 2 दिन हुआ बम्बई गए थे किसको से मुलाकात करता था हमने कहा चलिए बोरा बंटा मस्जिद को बाबा से मुलाकात हो जाएगी दिन मेरा बाप भाग हो जाएगा और आप बता में सिर्फ 3-4 लोग दारू बदले मिलती के रसीद कटवाओगे तकरीर के बाद और दारू बताते तारी शरिया लड़की वाला भूल ही जाता पर आप उस सुनिया सली पाठवा ये लड़कियों का है तो जो भी तनख्वाह मिलने की आलिमा ग्रेडी भी आप लोगों की पूरा जरूरत तैयार है और इन अभी तो टाइम नहीं है मैं निकल जाऊँगा रात्रि में नहीं तो उसके लिए कुछ पिंपल ऐसे बता दिया जाए जो महीने की तनख्वाह का इंतजाम आसानी से हो जाए समझ गए ना। अल्लाह ताला आप सबको नेक बन करने को भी बता फरमाया बाबा दिन है जब बड़ा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाह ताला का बड़े बोलने में कहीं गलती हो गई हो तो हम सबके साथ तौबा करते हैं अल्लाह करे तौबा कबूल फरमाए और परवरदिगार सबको तौबा करने की तौफीक अता फरमाए सच्चा पक्का मुसलमान बने रहे तो भी बड़ा दुनिया में रहे ईमान के साथ दुनिया से जाकर ईमान के साथ अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की जब बर्बादी से काम की हिफाजत फरमाए हमारे बच्चों को पढ़ने उत्तर नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए हमारे जवानों को नौजवानों को और एक दूसरे को अच्छी बातों का हुक्म करने की तौफीक अता फरमाए हमारा वक्त से रोकने की तौफीक अता फरमाए ईमान साहब की ताजों तौफीक रूप के होता है की तौफीक अता फरमाए YouTube पे मिलेगा ना क्या नाम से और साथ में भी तैयार हो जाए कभी पापा हो जाएगा इंशाल्लाह बड़ा तो सुनिया सही पापा और दादू बताते तानी शरिया बच्चे और बच्चों के कुरान की तिलावत करके उस सही आपका दिल पापा हो जाएगा। मेरे हजरत से कहा है तकबीर वाला हाफिज हो तकबीर वाली आलिमा को पढ़ाने के लिए उसको रखिए इंशाल्लाह ताला हक रब्बिल रोशी रोशी मिलेगी जो भी ना पढ़ा हो खातून में से वो बना तो सुनिया से पापा में एक्शन ले रहे आदर ना इकट्ठे का और जो भी बूढ़ा जवान ना पढ़ाओ अभी कुरान शरीफ वो भी आगे पढ़े और हर घर में तिलावत है कुरान कंपलसरी अल्लाह का हमारे समूह पर सबसे कुटुंब को बुलबुल कर रहे और मार
खुले में नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है, आप उसमें बैठे और जो मसला मालूम हो बगैर किसी शर्म के आप पूछ लीजिए। बारिश कैसे जाते हैं असल होता है, कभी वजू का मसला, कभी वजू का मसला, कभी फलाइज नमाज से नमाज पढ़ते नमाज आप असर करते हैं, जो जो वक्त मिले आप आते रहे, जो मसला पूछो उससे रहे या और जरूरी हो उससे कंटेक्ट कर सकते हैं, हजरत के पास नंबर है। और हफ्ते में जरूर आप शिरकत करें, वजू करने का ढंग, नमाज पढ़ने का ढंग ये सब सिखाया जाता है। अल्लाह ताला अक्सर करने हिस्सा लेने की मौके बना पाता है और आपके दोनों नामों को तीन दूरी रातों में तरक्के ला और कुछ बोलना है आप लोगों को कोई मसला का पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ज़कात के ताल्लुक से, नमाज के, रोजे के ताल्लुक से, अगर सात तोला सोना आपकी बीवी के पास है कितना सात तोला और चांदी एक ग्राम भी नहीं, सात तोला सोना चांदी नील मान के निशान नहीं है, ज़कात देना फर्ज नहीं है। देखिए अगर एक तोला सोना है और दस ग्राम चांदी है अब वो मान के निशान है, उसको ज़कात देना फर्ज है, इसलिए दोनों को जोड़ लिया जाएगा। अगर साढ़े पांच तोला चांदी खरीदी जा सकती है तो मान के निशान है। जो लोग दुकानदारी करते हैं दुकान जितना भी सामान रहेगा सबका टोटल करके क्रेडिट पे जितना माल है वो पैसा माइनस कर दीजिए, आपका जो है साथ में एक बार से का 2.5% के हिसाब से अलग कर दिया। अगर आप फलाद का काम करते हैं, फलाद खरीदते बेचते हैं तो फलाद की कीमत जोड़ के आपको सरकार देना है, अपने घर के लिए एक नहीं 50 फलाद ले लिए, तिजारत के लिए नहीं तो 50 फले फलाद में जो कुछ आप बोओगे उसमें कुछ ना निकालोगे, अगर बोओगे नहीं कोई ज़कात उसकी कीमत जोड़ कर आपसे नहीं ली जाएगी। आसान मसला है, मसला ये आप समझो अल्लाह आपको दे रहा है। जब तो ज़कात निकाल रहे हैं साल का 1 करोड़ रुपया कैश था, मैंने उसे कहा 2.5 लाख में ज़कात निकाल दीजिए, बोली इतना, मैंने कहा ठीक है अल्लाह ताला अपने साथ आपको 1 करोड़ का मालिक ना बनाए, 0 कर दे नहीं तो सका पूरे पत्तों का पति दिए मैंने कहा है तो हो सका, इसके पास 1 करोड़ नहीं है तो 2.5 लाख देगा ही, जल्दी बोलो है जब निकालने की बात है। और 1 करोड़ में 2.5 लाख निकाल दिया, 1 लाख में 2.5 हजार निकाल दिया, माल आपका पार्ट है, न पुलिस खा पाएगी, न दरोगा खा पाएगा, न डॉक्टर खा पाएगा, न वकील खा पाएगा, अल्लाह उसके रसूल की हिफाजत में आ जाएगा। जिन लोगों ने अपने सेवकों की सका नहीं निकाला वही जहन्नम के आग में धंका करके दाहा जाएगा। इसलिए आप याद रखो अगर चांदी सोना दोनों है, एक तोला सोना होगा और चांदी भी है तो ज़कात फर्ज है, अगर वो औरत चाहती है अजाब से बच जाए तो चाहती दे देनी चाहिए या बेच डाले, जब तक 7.5 तोला सोना नहीं होगा उस पर ज़कात फर्ज नहीं होती। बस ये आप मसाला आप पूछते रहेंगे इंशाल्लाह बता देंगे या इमाम साहब को दे दे आप नोट कर लेंगे अल्लाह ताला आपको ये दे दे। हुजूर ने फरमाया कि नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरने का आदाब अगर लोगों को मालूम हो जाए शादी साफ खड़ा रहना पड़े तो खड़ा रहे, इसलिए नमाजी के सामने से न गुजर जाए। हाँ बहुत दूर नमाजी अगर तो चलेगा 10-20 मिनट की दूरी पर है तो उसके सामने से न गुजर जाए, अगर वहां पर कोई चीज रख दी गई ये सुतरा हो गया अब आप गुजर सकते हैं, या हम बैठे हुए हैं ये नमाज पढ़ रहे हैं तो हम इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, इसको गुजरना नहीं बोलते हैं, इसको गुजरना जब आका होंगे तो गुजरना बोलते हैं। इसलिए नमाजी के आगे से गुजरने का आधार अगर लोगों को मालूम हो जाए तो जमीन पर धसना का वादा करने के गुजरने के लिए नमाज पढ़ने वाले की नमाज में कोई खराबी नहीं है जी। क्या
अगर अकीदा गुस्ताख है रसूल नमाज पढ़ा इसकी नमाज नमाज ही नहीं है तो किधर देखो उसका क्या आखिर में रसूल की नमाज। इसीलिए तो मैंने एक बार ख्याल में पूछा इब्लीस से कि नमाज के लिए सिर्फ सुन्नी को क्यों रोकता है, सबको लोग जितने भी प्यारे सबको लोग का मौलाना जिसकी कबूल होती है उसी को रोकता हूँ, जिसकी कबूल ही नहीं उसे क्यों रोकूं। मैंने पूछा तुझे कैसे मालूम काम का नहीं जाऊंगा तो कौन जानेगा। नबियों में से कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तादीर मैंने नहीं किया और लाखों साल के बाद अब स्टार्ट में थी लेकिन अल्लाह ने सब बर्बाद कर दिया। जो नबियों के नबी की तादीर नहीं करता उसके 40 साल का चिल्ला को बोल क्या होगा। आदम अलैहिस्सलाम को नबियों में से एक नबी और हुजूर को नबियों के नबी। तो जब आदम अलैहिस्सलाम की तादीर न करने की बुनियाद पर इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया तो जो नबियों के नबी की तादीर नहीं करता उसका चिल्ला कबूल होगा। इसलिए इब्लीस से कहा मैं उसी को रोकता हूँ जो मुस्तफा का दीवाना है जिसका सीधा इश्क़ रसूल का मदीना है सिर्फ उसी को रोकता हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया वक्त पर उम्मते नासनासु सबीर अल्लाह कुलों बिना मेरी उम्मत की हक का भी तुम्हें बैठेगी सब जहन्नम में जाएंगे जन्नत में जाएगी सिर्फ एक जगह। साहब ने पूछा वकाल बनिया ने आंसू अल्लाह ए अल्लाह के रसूल वो जन्नत में जाने वाली की पहचान बताइए। तिहत्तर दाढ़ी वाला होगा, तिहत्तर जमात वाले हाजी होंगे, तिहत्तर वाले जकात देने वाले होंगे, तिहत्तर वाले रोजेदार होंगे और हमारे महाना अली और सानी तो मेरे मेरे साहब बस अकबर होगा जन्नती वही होगा। हुजूर का मजहब है पर नबी जो जाए हयूर अल्लाह के नबी जिंदा है और साहब का अकीदा अल्लाह के नबी जिंदा है जन्नत में वही जाएगा जिसका अकीदा हो अल्लाह के नबी जिंदा है। तो बोले मुर्दा समझा जन्नती है कि नहीं बोले तो कोई टेंशन नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बोले हमारी तरफ दूर है वो सब बोल रहा है जन्नती है ही नहीं तो बोलेगा ये जो जन्नती होगा वो ये बोलेगा नबी दोनों आलम के मालिक वो मुख्तार है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालिक तला है। हुजूर ने फरमाया मेरे मेरे साथ आके जो मजहब पर होगा वो जन्नती होगा। हुजूर ने फरमाया कि तुम किसलिए मेरी तरह तुम्हे का कौन है सहाबा का अकीदा लस्तन इस्तना या रसूलल्लाह आप हमारी तरह नहीं और जन्नत में वही आएगा जिसका अकीदा हो हुजूर हमारी तरह नहीं और जो बोले नबी हमारी तरह है जन्नत में जाने का सवाल ही नहीं होता है। समझ रहे हो ना ये पता मैंने नहीं बताया है रसूल पाक ने बताया। बीजापुर कर्नाटक में वहाबियों के मोर्चे में तकरीर हो रही थी लोगों ने कहा झगड़ा होगा मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा कि जो भी अपने को जन्नती मानेगा तो 72 को क्या मानेगा होगा ही मैंने कहा तुम अगर अपने को जन्नत ही कहते हो तो 72 कहने की बात ये कहते हैं किसी को कुछ नहीं कहते सब भाई भाई है तो औलादे आदम के हो औलादे आदम के मुताबिक तो भाई है लेकिन ईमान के मुताबिक भाई वही होगा जो सभा का दीवाना होगा वही होगा जो सभा का दीवाना होगा बाप वही होगा जो सभा का दीवाना होगा। अब इंशाल्लाह अब तकरीर होगी अल्लाह ताला ने अगर चाहा मेरा नाम हो अब अकीदे पर तकरीर होगी ठीक है ना। और जितने लोग ताली रखाओगे ना इमाम साहब का लिखवा के दोगे इमाम साहब मेरे पास पहुंच जाएंगे हो सकता है बगैर आपके बुलाए हुए जवाब देना आ जाए
भागों में तो नहीं पूरे बार बार फिर आ रहे हैं ना जबरदस्ती उठा उठा के गाली रखाए हैं। शुक्रिया अदा करो मेरा है ना, कम से कम कोशिश मैंने किया और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह तुमने ये तौफीक दी। आप हमारे बस की कोई बात नहीं कि देर कबर मिल सके, अल्लाह अपने बंदों को तौफीक देता है तो अच्छा काम करते हैं। और जो लोग आपके रात तस्वीर पढ़ते हैं या सुना तो तस्वीर पढ़ते हैं वो बेचारे खबरा रहे होंगे कि पूरा टाइम तकरीर में चला जाएगा तो पढ़ेंगे क्या मस्ता सुन लेगा। जिनके जितने पिछली नमाजें कजा बाकी हैं जितना भी वक्त मिले कजा नमाजों को अदा की है, नफी उनके लिए है जिनके जितने कजा नमाजें बाकी ना इन छाड़ा इसका तरीका बाद में जब आऊंगा। और जो लोग इंतकाल कर गए आपके खानदान के उनको नमाज रोजे के बोझ से कैसे बरी किया जाए इंशाल्लाह वो करें तभी बताएंगे। अल्लाह ताला सबको देखो करने को भी कदा पता है बाबा अलीना इल्ला तला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अब नहीं बुलाओगे अगर गोरा बाटा वाले बोले बुला दे तो भी ठीक है। Thank you.